हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर गुड. एंड स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द लास्ट चैप्टर क्वेश्चन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, दैट इज 75 एंड 76. ओके, सो ओपन योर बुक्स एंड ओपन क्वेश्चन नंबर 75 एंड 76. सी स्टूडेंट्स, व्हाट इज क्वेश्चन 75? क्वेश्चन इज कोची लिमिटेड इशूड अ प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹8 पर शेयर. बेटा अब यहाँ पे जो प्रीमियम 8 है बेटा, काफ़ी ज़्यादा दे रखा गया है. और जो ये प्रीमियम है, इट इज चार्ज्ड एवरीवेयर ऑन अलॉट एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फाइनल कॉल. ओके, देयर वर इशूड हाउ मच? 40,000 शेयर्स. द एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 80,000 शेयर एंड प्रोराटा वॉज मेड ऑन एप्लीकेशन ऑफ 70,000. और प्रोराटा कितने का बन गया? 70 वर्सेज 40, मीन्स 10,000 वर रिजेक्टेड. ओके, 10,000 को 0 शेयर्स मिल गए. ओके, आफ्टर दैट एक्स टू होम 1200 शेयर्स वर अलॉटेड फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फॉरफीचर हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड. After first call his shares will be forfeited. बेटा why? Because जो question है वो कह रहा है ना कि his subsequent failure to pay first call and his shares were forfeit. कि उसने allotment भी नहीं दी और उसके बाद first call भी नहीं दी, और first call के बाद उसके shares क्या हो गए बेटा? They were forfeited. Okay? Is it clear? Any problem? No problem. Now why? Who applied for 3500 shares failed to pay the two calls on his failure, his shares were also forfeited. और उसके shares भी क्या हो गए? Forfeit हो गए. ठीक है, Y ने apply किया था 3500 share के लिए, ठीक है, तो उसके shares भी क्या हो गए? Fail हो गए. Okay, so whenever we have to calculate the arrear of x, first of all we have to calculate beta applied shares. Okay, and whenever we are going to discuss about y, so firstly we have to calculate y's allotted shares. Okay, now the next thing is of the shares forfeited 2500 were reissued as fully paid up for ₹9 per share. अब 2500 में से total जो भी shares थे, out of them 2500 were reissued at ₹9 per share. बेटा how much? 9, the whole of Y shares being included. Okay, so prepare cash book and journal entries. तो आपको क्या बनाना है? कैश बुक बनानी है और क्या बनानी है? जर्नल एंट्रीज. ओके, सो कोची सिल्क लिमिटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर कैश बुक. ओके, फ्रॉम 80,000 शेयर्स वी हैव रिसीव्ड एप्लीकेशन, सो 80,000 इंटू 6 करोगे आप, 480,000. इमीडिएटली 10,000 शेयर रिजेक्ट हो गए थे, इसलिए 10,000 इंटू 6 करके आप क्रेडिट साइड में डाल देंगे 60,000. नोट डाउन, इतना नोट कर लीजिए.
हो गया नोट। आगे देखिए बेटा, ऑन अलॉटमेंट एक्चुअली वी हैव रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम 30,000 शेयर्स ना, तो अराउंडली 180 वाज रिसीव्ड इन एडवांस, सो टू शेयर अलॉटमेंट 58,200 वी विल रिसीव। आप नोट कर लीजिए, मैं आपको समझा दूंगा बाद में कैसे आए। आफ्टर दैट टू फर्स्ट कॉल भी नोट कर लीजिए, 110,000, टू फाइनल कॉल 110। ये आफ्टर एरियर है कि 36,800 शेयर्स, मतलब जो 200 मैंने नहीं दिया था उन सभी का, जो भी नॉन पेमेंट वाले थे माइनस करके। ओके, आफ्टर दैट री इश्यूड हो गए 2290 पे, सो 721,000 आपका इधर बैलेंस में आ जाएगा। आप इतना नोट कर लीजिए। नाउ सी, एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मनी हाउ मच वी हैव रिसीव्ड, 420। एक्चुअल मनी फॉर शेयर कैपिटल वॉज 2 शेयर कैपिटल 160, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम वॉज 2 रुपीज़ 80। टू शेयर अलॉटमेंट हाउ मच शेयर फॉर ट्रांसफर, 30,000। ओके, सो टोटल 60,000, 70,000 ट्रीटमेंट इज हेयर बिकॉज 10,000 वर रिजेक्टेड एंड दो शेयर बैलेंस इज ऑलरेडी ट्रांसफर टू कैश बुक। ओके, नाउ अलॉटमेंट विल बी ड्यू बेटा, 40,000 शेयर्स हैं, 6 रुपी रेट है, 240, 140 और 80 अलॉटमेंट ड्यू हो गए। टिल हेयर एनी प्रॉब्लम। नाउ फर्स्ट कॉल विल बी ऑल्सो ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, तो फर्स्ट कॉल भी आपकी ड्यू हो जाएगी। नोट कर लीजिए इतना सारा, नोट डाउन ऑल द थिंग्स। Now see, question was saying after first call their shares were forfeited, their shares were forfeited, that is why we have forfeited these shares. Okay, now whenever we will forfeit, actually they have got a 1200 shares. Okay, multiply by 9, 10,800, security premium already something was received advance, due was 4800, 600 was received in advance, that is why 4200 will be here. Arrear on allotment was 1800, first call is 3600, so remaining 9600 will be transferred to which share for future account. Okay, then after that final call will be due, share final account debit to share capital account or to security premium reserve. Okay, so this way this final call will be due. After that the arrear on final call whatever comes it will be also forfeited. Okay, so entry will be share capital account debit, security premium debit to first call, to final call, to share forfeiture, 16,000 will come here. Okay, now whenever share forfeited one per share, the share forfeiture account debit to share capital, it will be transferred 2500. Okay, so note down this. After that beta, we have to calculate money on forfeiture, so by the note number 4 I will show you everything. Okay, you can prepare, and here we have calculated loss because already we were having 3000 shares profit, but only 2500 shares were reissued, that is why we will multiply by this. Okay, is it clear? Any problem till here? Note down this thing. Here you can see working note number 1, that 1200 they have allotted, but they have applied for 2100, so 5400 was excess money. Okay, amount due on allotment was 7200 and 5400 will be subtracted, remaining was arrear on allotment, that was 1800. Okay, after that
money due on 40,000 shares at the rate is 240. 180 will be here, balance due 60,000. Okay. So arrear on allotment already advanced 1800, so 58200 was received on allotment. Okay. After that, Y applied for 3500, but still he got it 2000 shares. Okay. So this way there was the calculation of each shares. So you can note down, and the security premium was 4800. Okay. And this is the working note of forfeiture of shares. So I hope you have got it all the things about this question, and now you have to solve question number 76 by yourself. Thank you students for watching this video, and better solve all the questions remaining from this chapter, because it's the most important chapter. Directly by solving 8 to 10 entries you will get 8 to 10 marks from this chapter. Okay, so basic entry you have to learn. Okay, bye bye.